टाइम हो रहा है 10 और नाश्ता वास्ता हो गया है। थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं कि मौसम बहुत अच्छा किया था इसलिए छत पे चले आए हैं। बारिश होने की वजह से सोन का पानी कुछ बढ़ गया है, तो आपको दिखाते हैं कि सोन में कितना पानी हुआ है, यहाँ से कुछ नज़र आ जाएगा। तो ये रहा सोन, और सोन नदी का पानी देखें, ये कुछ बढ़ा हुआ है, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उस तरफ तो बालू ही दिख रहा है, वो सब अब तक भर जाना चाहिए था लेकिन अभी तक भरा नहीं है, क्योंकि बारिश हुई ही नहीं है तो कहाँ से भरे पानी। तो बस देखिए, बादल तो हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत बारिश हो रही है फिर रुक जाती है, उसके बाद गर्मी का मत पूछिए, उसके बाद जो गर्मी होती है ना, सोन का पानी जो इतना ही में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अभी जाएंगे नीचे, लगाना है सर में मेहंदी, तो मेहंदी लगाएंगे, और 10 बज गया है तो 2 घंटा तो कम से कम रखना होगा, तो 12-12:30 तक रखेंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे। तो चलिए, जितना देर करेंगे उतना ही मेहंदी देर तक रखना पड़ेगा और नहाने में भी देर होगा, तो फटाफट से मेहंदी लगाते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है तो नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है ऊपर ही छत पे ही रहें, लेकिन काम बहुत है तो जाना तो होगा। तो ये देखें, कपड़ा चेंज कर लिए हैं हम, क्योंकि मेहंदी लगाने पे गिर सकता है तो कपड़ा गंदा हो जाए, वैसा कपड़ा पहन लिए हैं, जो गिरे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रखा रहता है। तो चलिए पहले मेहंदी लगाते हैं, देखते हैं कि मेहंदी का क्या हाल है। कढ़ाई का जो ब्लैक होता है साइड से निकलता है, क्योंकि आयरन का है ना कढ़ाई, इसलिए तो इतना थिकनेस है तो सही है, इतना लगाना चाहिए, अगर ज़्यादा पतला रहेगा तो गिरने लगेगा। तो पहले लगा लें, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। शावर कैप या फिर कोई प्लास्टिक अभी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि गर्मी उतना नहीं है, हवा नहीं है कि सूख जाएगा। तो ये देखिए, उतना थिकनेस आपको दिखाया ना, उसके बावजूद भी ये निकल रहा है, तो और उससे भी ज़्यादा थिक अगर रहेगा तो बाल में लगेगा ही नहीं, तो ये गिरना इसका काम है। पोछते रहिए कोई कपड़ा लेकर इस तरह, तो 2 घंटा या 2.5 घंटा रखेंगे। आने में भी 20-25 मिनट लग जाता है खुद से लगाने में, तो 12:30 बजे तक नहाएंगे। तो चलिए, जब तक बनाएंगे आज वेज बिरयानी, तो चलते हैं, जब तक वेज बिरयानी बना लेते हैं, उधर कपड़ा धोना है वो धो लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 2 और आ गए हैं नहा करके, और भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। ये मेहंदी का कलर तो अच्छा खासा आ गया है, क्योंकि 2-2.5 घंटा से भी ज़्यादा हो गया है बाल में रखे हुए, क्योंकि लगा करके खाना बनाने लगी तो बिरयानी बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। बहुत सिर्फ खाना नहीं बनाना रहा था, इधर उधर बच्चों को देखना, ये दो वो दो, बहुत काम होता है। तो सभी लोग खाना खा लिए और अब हम खाने जा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए क्या बचा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो ये देखिए, लास्ट में खाने वाले को या तो ज़्यादा ही मिलता है या फिर कम, इतनी सी बिरयानी बचा है। ये रहा मेरा थोड़ू सू बिरयानी, शाम में लगेगी जल्दी भूख। तो चलते हैं, जो है उसको खाते हैं और फिर आपसे मिलेंगे शाम में चाय के टाइम। तभी हो रहा है शाम, और आपको पता है हमने बताया था ना कि ये दोपहर में जो है बिरयानी बहुत कम बचा था थोड़ी सी, तो लगी है भूख, शाम की भूख है, तो इससे पेट भरना है ये मकई, और उसके बाद पियेंगे चाय, तो चाय चलेगा शाम का।
उसके बाद बनाएंगे रात का खाना। तो चलिए फिर चलते हैं, इसे भूनते हैं, उसके बाद फिर अपने अपनी भूख मिटाते हैं। तो ये देखिए बन गया है रात का खाना। रात के खाने में बनाए हैं, यह है सत्तू भरा हुआ रोटी, और ये कबीर के लिए सादी रोटी, दूध रोटी खाएगा क्योंकि उसे ये सत्तू भरा हुआ रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दूध में ये खा लेगा वो। दूध उसमें पता ही नहीं है, दूध ज़्यादा रहेगा तो दूध जाएगा कचड़ा में। पूरा अनियन बाहर निकाल दो, अरे खाओ उसके साथ अच्छा लगेगा। क्यों निकाल रही हूँ, अच्छा लगेगा। ये रहा मेरा अपने एक खा बासमती, रही हैं। एक नहीं दो है। तो रात का खाना पीना हो गया है और अभी थोड़ा सा आए हैं बाहर टहलने के लिए। बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो खाना का खाने के बाद थोड़ा सा टहल भी लेना चाहिए रात में, तो इसलिए बाहर बैठे हैं झूले पे। उसके बाद जाएंगे फिर सोने, क्योंकि क्योंकि कुछ नहीं वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, सुबह खैर।